अगली खबर में बात करते हैं भिंड की, जहां ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात दो जवानों में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों जवानों में वाहन चेकिंग के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, फिर एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। इस घटना में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस पूरे मामले के बारे में ट्रैफिक थाना प्रभारी रंजीत सिकरवार ने घायल जवान को बाइक से फिसल कर गिरने की बात कही है। ये मामला रविवार की दोपहर का है। पुलिस लाइन में पदस्थ राघवेंद्र सिंह को ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात किया गया था। वहीं ट्रैफिक थाने में पदस्थ जवान बलराम जाट को भी तैनात किया गया था। दोनों जवानों की ड्यूटी वाहन चेकिंग के लिए बाईपास पर कोतवाली थाने के बाहर लगाई गई थी। वाहन चेकिंग के दौरान दोनों में अज्ञात कारण के चलते बहस हो गई। इसके बाद दोनों जवानों में गाली गलौज शुरू हुई। इसके बाद दोनों जवान में मारपीट होने की बात कही जा रही है। इस वजह से राघवेंद्र सिंह के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार के लिए भर्ती राघवेंद्र सिंह ने बलराम जाट पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। हालांकि इस पूरे मामले में ट्रैफिक थाना प्रभारी रंजीत सिकरवार का कहना है कि दोनों जवानों में कोई मारपीट नहीं हुई है, बाइक से फिसल गए हैं, मारपीट की बात झूठी है। गरीब को मत सता करो, जे हमने कही है। किससे बोला था? वो अपने स्टाफ से कही। अरे कई चोर ने मारे कैसे मारे हैं? कैसे मारे हैं? ना ये भाई सरिया साहब।